ये सुनते ही वो परेशानी से सबका मुंह तकता रहा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ सोनम क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। रोहित अब बात बात पर रोता नहीं था, वो दुख की बात सुनकर भी हंस देता था। रोहित के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है। फिर रोहित के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा था। वो कभी दिन में निकालता तो कभी रात को और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही न आता। हम बहनें पेट भर खाना खाने के बाद रोहित को दुआ देती थी। रोहित ने माँ से कहा, माँ जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में चला जाता और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो कल भी जाग उठी थी। अब माँ को रोहित की चिंता होने लगी थी। माँ रोहित से उसके काम के बारे में पूछती तो वो टाल देता था। माँ जिद करती तो वो उठकर बाहर चला जाता था। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वो नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर रोहित को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिता के पास पहुँची। रोहित भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया पिताजी ने उसके चेहरे पे थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। पिताजी बोले, इस बेशर्म ने तो मेरे नाम को ही दबा दिया है। माँ ने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका नाम कोई और क्या डुबा देगा। पिताजी बोले, रोहित तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी, कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी रोहित के जान के दुश्मन बने हुए थे। वो रोहित को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसे घर से निकलना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन विवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। उस दिन पिताजी ने रोहित को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रोहित की आँखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। रोहित घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा, मेरे बेटे का अपराध क्या था? पिताजी ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। रोहित ने घर तो छोड़ दिया था लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सहकर आए हैं। हम तो सभी की नजरों में खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियाँ करवा दी। हमें नहीं पता कि रोहित कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो मेरी मुलाकात रोहित के दोस्त अजय से हुई। वो रोहित के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की, मैं रोहित से मिलूं वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धोकर बैठेगा। पंकज, आप प्लीज मुझे रोहित के पास ले चले। मैं अंकिता की बातों से चकरा गया था। जब उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की थी, मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हें इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी उसकी हकीकत क्या है। तो वो बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले बस आप मेरे साथ मिलके रोहित को ढूंढ ले, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने अंकिता की बात भी मान ली थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं रोहित को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे अजय भी याद था। अंकिता ने खुद ही कबूल कर लिया था कि वो उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे अजय को ढूंढना था जो अंकिता को मार्केट में मिला था, लेकिन वो अंकिता से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। मैंने अजय और रोहित के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफी परेशान करने वाली थी।
अजय और रोहित को लोग जिस काम के लिए जानते थे वो अगर अंकिता अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उनकी खोज जारी रखी थी। आखिरकार मैं उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने अंकिता से कहा, अंकिता तैयार हो जाओ, आज हम रोहित से मिलने जाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पॉश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोर बेल बजाई तो अजय ने दरवाजा खोला था। वो मुझे नहीं जानता था इसलिए बोला, आजकल रोहित कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अजय का खुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से अंकिता निकलकर सामने आ गई तो अजय पीछे हट गया। हम रोहित के फ्लैट में दाखिल हुए थे। रोहित सामने लाउंज में ही बैठा था। उसके सोफे के सामने का टेबल तरह तरह के नशों के सामान से भरा पड़ा था। इस समय भी वो नशे में ही दिख रहा था। अंकिता को देखते ही उसने अजय को इशारा किया था कि ये सब चीजें वो यहाँ से उठा दे। रोहित तो अभी अपनी बहन से भी नहीं मिला था। वो बड़े कठोर स्वर में बोला, क्या करने आई हो यहाँ? अंकिता रोहित को इस हालत में देखकर रो पड़ी थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरे भाई, रोहित रो पड़ा था। वो बोला, क्या क्या सुनोगी? जाने दो, रहने दो, कहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ पर खत्म? क्या तुम ये सुनने आई हो कि रोहित पूरे दिल्ली शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? रोहित की बात सुनकर अंकिता तड़प उठी थी। तुम्हें याद है ना कि सोनम भूख से मर गई थी? तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई रोहित भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए अजय ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, ताने मिले थे, घटिया सुझाव सुनने को मिले थे। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई थी। अब मैं और रोशन रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरुओं ने अगवा कर दिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए मारा भी था। वो गुस्से में था कि हमने क्यों उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम पुरुष होकर भी क्यों तीसरे जीन के हक को लूट रहे हैं? भला ये क्या बात हुई अंकिता? भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरुवार को अपनी हालत बताए ना, तो उसका दिल नरम पड़ गया था। उसने एक महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर भेज दिया था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन सोनम घर पर नहीं थी। मैं टूट गया था, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम 6 जनवरी भी भूख से मर ना जाओ, इसलिए मैं रोज रात को चेहरे पर मेकअप लगा कर भीख मांगता था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे थे। लेकिन हमेशा हराम के पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ? उसने मुझे घर से निकाल दिया था। तो मैं जिद पे आ गया और वापस उस गुरुवार के पास चला गया जिसने मुझे अगवा कराया था। मैंने उसे कहा था, गुरुवार मुझे अपने साथ मिला ले। वो हंसने लगा। उसके शब्द आज भी मुझे याद है। वो बोल रहा था कि अगर तुमने नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तुझ में नजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएं, नाच गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथ मजबूर होके मर्द से किन्नर बन गया था। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजने लगा था। लोग मुझे दूर दूर से अपने शादी ब्याह के समारोहों में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था। फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियां देता कि मैं कैसा मर्द हूँ, हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता था। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती थी तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहन के बहुत खुश हो जाता था कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रख कर तुम्हें विदा कर दूं। लेकिन फिर सोचता कि मगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा।
बस यही सोच कर फिर से रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियां हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देते होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है अंकिता, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नज़र किस पर पड़ी? उस शख्स पर जिसे हम अपना बाप कहते हैं, वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक ठुमके पर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने वो फंक्शन पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा रोहित हूँ, क्या मैं सबको बता दूं कि तुमने जन्म दिया है मुझे मेरे हराम के पैसों से? तो तुम बड़े इज्जतदार बन बैठे हो। मेरी बातें सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। अंकिता रोहित फुट फुट कर रोने लगा था। अंकिता उसके गले लग कर तड़प रही थी। मेरी और अजय की भी आंखें भीग गई थी। तभी रोहित ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गवा दी थी और अपनी इज्जत को मार डाला। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया है। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई है, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये हालत है। मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपने बहनों की शादियां तो कर दी हैं। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिपकर रहना चाहता हूँ। अंकिता और रोहित के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। अंकिता बोली, रोहित तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है, मेरे भाई उसका कर्ज हम पूरी जिंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब बहनें अपने अपने घर में खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत से गुजर रहे हो। रोहित तुम जानते हो क्या, पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें दो वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। वो आते हैं मेरे घर पर बड़ी मुश्किल से सफाई करता है। उनकी बुरी हैयों में इतनी जान नहीं है कि वो काम कर सके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। सारी जिंदगी उसने मुफ्त में रोटियां तोड़ी है, तो क्या अब भी वो वैसा ही करे? मैं उससे हम सब का हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर अंकिता ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, पंकज वो काम वाली मौसी के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने अंकिता को माफ कर दिया था। मुझे ही रोहित का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको और अजय को अपने साथ घर ले आया था, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहां पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिनको नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना जरूरी था। मैं और अंकिता हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते हैं। उनमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, जबकि अंकिता अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहाँ तक अंकिता के पिताजी का सवाल है, वे हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं अंकिता को समझाता हूँ कि वो अपने पिताजी को माफ कर दे, मगर वो अभी माफ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप भी बता दीजिए कि क्या अंकिता को अपने पिताजी को माफ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह अपने पे हुए जुल्म का बदला लेते रहे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।